ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 536, क्लैरिफाइड ऑन 28 अक्टूबर 2006 एट जोटपाड़ा, राजस्थान। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 18/5/67। रिकॉर्ड है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। द रिकॉर्ड प्लेड इज द रेसिडेंट ऑफ द फार अवे लैंड हैज कम टू द फॉरेन लैंड। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते। द स्पिरिचुअल फादर एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। मानी बाप नहीं समझाते। द बॉडीली फादर्स डोंट एक्सप्लेन। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। द स्पिरिचुअल फादर एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। जिस्मानी बाप क्यों नहीं समझा सकते। व्हाई कैन द बॉडीली फादर्स एक्सप्लेन टू देम। क्योंकि उनको रूहों का ज्ञान नहीं है। It is because they don't have the knowledge of the soul. स्कूल अथवा कॉलेज में कोई तो अच्छी रीति दिल लगा करके पढ़ते हैं। कोई नहीं पढ़ते। Some study well and wholeheartedly in a school or college, while some don't. पढ़ने वाले समझते हैं कि हम पढ़ करके अच्छा पद पाएंगे। Those who study understand, I will study and attain a good position. हम स्टूडेंट के हैं तो स्टडी अच्छी करनी चाहिए। वी आर स्टूडेंट्स सो वी शुड स्टडी वेल। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। हियर ऑल्सो द चिल्ड्रन नो दैट इट इज सर्टनली द अनलिमिटेड फादर हु टीचेस देम। जो बच्चे यहाँ अच्छी रीति जानते हैं हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, वो बेहद की पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ते हैं। Here the children who know it well that it is the unlimited father who teaches them, they also study the unlimited studies well. क्योंकि जानते हैं बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। It is because they know that they obtain the unlimited inheritance from the unlimited father. हद का वर्षा तो इसी जन्म में मिलता है न भी मिलता है, मिल भी जाए तो यही खलास हो जाए। पीपल ओबटेन द लिमिटेड इनहेरिटेंस ओनली इन दिस बर्थ, दैट टू सम ओबटेन इट व्हाइल सम डोंट। इवन इफ समवन ओबटेन्स इट, इट विल फिनिश हियर इटसेल्फ। लेकिन बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है वो अविनाशी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। But the inheritance that you obtain from the unlimited father is the imperishable inheritance of 21 births. बाप ने समझाया है। The father has explained to you कि नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा कहो वो सबके बाप ही सुनाते हैं। Call it the true story of becoming Narayan from a man. It is only the true father who narrates it. उनको ट्रूथ गॉड फादर कहा जाता है। He is called true God the father. सत्य कथा और कोई सुनाई नहीं सकता। Nobody else can narrate the true story at all. इस झूठ खंडे की दुनिया में सब झूठे हैं। Everyone is untrue in this world of the land of falsehood. पंडित गुरु गुसाई धर्म पंडित धर्म पिताएं कोई भी सच्ची कथा नहीं सुनाते। Nobody including the pandits gurus holy men religious fathers narrate the true story. उसे सत्यनारायण की कथा कहो, तीसरा नेत्र खुलने की कथा, तीजरी की कथा कहो,
कॉल इट द स्टोरी ऑफ सत्यनारायण, द स्टोरी ऑफ तिजरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई। अब हमने तो भक्ति मार्ग में ये सब कथाएं जन्म जन्मांतर सुनी, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा। नाउ वी हैव लिसन्ड टू ऑल दीज स्टोरीज, द स्टोरी ऑफ तिजरी, द स्टोरी ऑफ अमरनाथ फॉर मेनी बर्थ्स इन द पाथ ऑफ भक्ति। परंतु इन कथाओं का अर्थ तो कोई समझते नहीं है। बट नोबडी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ दीज स्टोरीज। वो होती है अमरपुरी और ये है मृत्युलोक। दैट इज द अबोड ऑफ इमोर्टैलिटी, दैट इज अमरपुरी, एंड दिस इज द मॉर्टल वर्ल्ड, दैट इज मृत्युलोक। अमरपुरी के लिए तुम अभी अमर कथा सुनते हो। यू लिसन टू द स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी फॉर गोइंग टू द अबोड ऑफ इमोर्टैलिटी नाउ। और ये कथा भी तुम ही समझते हो। And it is only you who understand this story too. तुम्हारे में भी कोई तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। Even among you, there are some who don't know that at all. पूछेंगे, अमरपुरी कहाँ है? If someone asks you, where is the Amarpuri? तो उनको बताना पड़े। You need to ask him. पहले स्थूल अमरपुरी में जावेंगे या पहले बेहद की सूक्ष्म पुरी में जावेंगे? विल यू गो टू द फिजिकल अमरपुरी फर्स्ट और द अनलिमिटेड सटल वर्ल्ड फर्स्ट? उसके लिए पहले तो सूक्ष्म आत्मा बनना पड़े। फॉर दैट यू फर्स्ट नीड टू बिकम अ सटल सोल। आत्मा ज्योतिबिंदु बनेंगे तो आत्मा बाप सुप्रीम सोल को पहचानेंगे। When you become a point of light soul, you will recognize the father of the souls, the supreme soul. जब तक सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचाना है। Until you have recognized the supreme soul father, तब तक आत्मा नहीं बन सकेंगे। You won't be able to become a soul. क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा। इट इज बिकॉज द फादर ऑफ द सोल इज द सुप्रीम सोल। देह का बाप देहधारी। द फादर ऑफ द बॉडी इज अ बॉडीली बीइंग। आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भी सूक्ष्म बनेगी। इफ यू स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, द सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट विल ऑल्सो बिकम सटल। सूक्ष्म बनती है। When it becomes subtle, तो बुद्धि में सूक्ष्म ज्ञान बैठता है। The subtle knowledge sits in the intellect. अपन को देह समझेंगे तो सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। If you consider yourselves as a body, the subtle knowledge won't sit in the intellect. बिंदु बिंदु सूक्ष्म आत्माओं का वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बाप है। He is the most subtle point of light father of the subtle point souls. वो इतना सूक्ष्म ज्ञान सुनाते हैं कि समझने वालों की बुद्धि में बैठ जाता है। He narrates such subtle knowledge that it sits in the intellect of the ones who understand. कि यही हमको इतनी सूक्ष्म स्टेज धारण करनी है। We have to attain such subtle stage here itself. ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज भी धारण करनी है, याद की स्टेज भी धारण करनी है। यू हैव टू अटेन द सटल स्टेज ऑफ नॉलेज एज वेल एज द स्टेज ऑफ रिमेम्बरेंस। और इतना सूक्ष्म ज्ञान धारण करना है जो यहाँ हम ज्ञान की पराकाष्ठा में ऐसे पहुँच जावे जो अपन को अमर अनुभव कर ले। एंड यू हैव टू अटेन सच सटल नॉलेज दैट यू रीच द जेनिथ ऑफ नॉलेज हियर, that you start experiencing yourself to be immortal. एक होता है हद का मृत्युलोक। One is the limited मृत्युलोक। उसमें हद की मृत्यु होती है। People die the limited death there. एक होता है बेहद का मृत्युलोक। While the other is the unlimited मृत्युलोक।
वहाँ होती है बेहद की मृत्यु। Where people die the unlimited death. अमर लोक भी हद का और बेहद का। अमर लोक इज ऑल्सो द लिमिटेड एंड द अनलिमिटेड। इस दुनिया में तो बेहद का अमर लोक भी नहीं है और हद का अमर लोक भी नहीं है। There is neither the unlimited nor the limited अमर लोक in this world. लेकिन बाप जिस दुनिया में हमको लेकर आए हैं, पुरुषोत्तम संगम की दुनिया में, वहाँ हमारी बुद्धि में बैठ गया है। But the world, the elevated confluence age world in which the father has brought us, it has sat in our intellect there. कि हम बाप के बच्चे बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि हम रूहानी आत्मा को रूहानी बाप मिले। That we become the father's children, we become निश्चय बुद्धि, it sits firm in the intellect that we, the spiritual souls, have found the spiritual father. रूहानी बाप से हम रूह आत्मा की अनेक जन्मों की सदगति होने वाली है। We souls are going to attain sadgati for many births from the spiritual father. ये गति सदगति का वर्षा हमको मिलता है। We obtain this inheritance of gati and sadgati. हम यहाँ भी अनुभव करते हैं। We experience it here too. कि दुनिया की कितनी भी परीक्षाएं आ जावे, That no matter how many examinations from the world come. लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं। We aren't going to shake. हमको कोई मार नहीं सकता। Nobody can kill us. हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। We are ageless, immortal and imperishable souls. अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। We are the immortal children of अमरनाथ। लेकिन फिर कोई कोई को माया मार देती है। But then माया kills some of them. माया मारती है तो अपना बनाई लेती है। When she kills them, she makes them her own. देह अभिमानी माया रावण देह अभिमानी बनाई देता है। Body conscious माया रावण makes them body conscious. आत्मिक स्थिति से परे हो जाते हैं। They go far from the soul conscious stage. आत्मा को भूलते तो परमात्मा बाप को भी भूल जाते। When they forget the soul, they forget the supreme soul father as well. अनिश्चय बुद्धि बन जाते। They become अनिश्चय बुद्धि। ये उनकी बेहद की मौत हो जाती है। This is their unlimited death. बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में बहुतों की मौत हुई है। Many have died in the unlimited world of Brahmins. और बहुतों की होने वाली है। And many are going to die. ये मौत का बाजार लगेगा। Death will rage in a full swing this way. बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी। Big examinations will come. दुखों के पहाड़ गिरेंगे। Mountains of sorrow will fall upon you. लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि है, But those who have a firm faithful intellect, जिन्होंने बाप की पढ़ाई गहराई से पढ़ी है, who have studied the knowledge of the father deeply, regular student बने हैं, punctual student बने हैं, who have become regular and punctual students, तो ऐसे regular और punctual students के ऊपर रूहानी टीचर की नजर रहती है। द स्पिरिचुअल टीचर पेज अटेंशन टू सच रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट ज्ञान की गहराई में जाने के कारण मृत्यु को नहीं पाते, जहां भी चले जावे। एंड नो मैटर वेयर दे गो दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ गोइंग इन द डेप्थ ऑफ नॉलेज। बाप तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स करने के बाद बल्बिलाइट में चले जाओ। द फादर सर्टेनली सेज यू मे गो अब्रॉड आफ्टर टेकिंग द 7 डेज कोर्स। कोई जरूरी नहीं है कि बाबा से बार बार आकर के मिलना
जरूरी है, नहीं इट इजंट नेसेसरी दैट यू नीड टू कम एंड मीट बाबा अगेन एंड अगेन, नो। विलायत में जाकर के भी अगर सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलती रहेगी। इवन इफ यू गो अब्रॉड एंड डू सर्विस यू विल कीप रिसीविंग द फ्रूट ऑफ सर्विस दैट इज हैप्पीनेस। आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहेगी क्योंकि रूहानी सेवा करने से रूहानी बाप रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चों को याद करते। योर सोल कॉन्शियस स्टेज विल रिमेन फर्म। इट इज बिकॉज बाय डूइंग स्पिरिचुअल सर्विस अ स्पिरिचुअल फादर रिमेम्बर्स द चिल्ड्रन हु आर स्टेबिलाइज्ड इन द स्पिरिचुअल स्टेज। दुनिया बाप को याद करती है। द वर्ल्ड रिमेम्बर्स द फादर। और बाप अपने रूहानी सर्विस करने वाले रूहानी बच्चों को याद करते। एंड द फादर रिमेम्बर्स हिज स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हु डू द स्पिरिचुअल सर्विस। तो ज्यादा ताकत किसको मिलेगी। सो हु विल रिसीव मोर पावर। जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए बच्चे हैं उनको जरूर जास्ती ताकत मिलती। द चिल्ड्रन हु आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड सर्टेनली रिसीव मोर पावर। उनको कोई माया रावण मार नहीं सकता। माया रावण कांट किल देम। जो रूहानी सेवा में नहीं रहते हैं सिर्फ अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं अथवा तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाते, अलबेले हो जाते हैं, उनकी तो बात ही छोड़। लीव अलोन द क्वेश्चन ऑफ दोज हु डोंट स्टे एंगेज्ड इन अ स्पिरिचुअल सर्विस हु आर एंगेज्ड ओनली इन देयर ओन बेनिफिट और हु कांट इवन ब्रिंग देयर ओन वेलफेयर हु बिकम केयरलेस। तो बोला कोई तो बिल्कुल नहीं जानते। सो इट वॉज सेड सम डोंट नो एट ऑल। मृत्यु लोक क्या होता है, अमर लोक क्या होता है, बेहद में क्या होता है, हद में क्या होता है। वॉट द मृत्यु लोक इज, वॉट द अमर लोक इज, वॉट इट इज इन द लिमिटेड एंड वॉट इट इज इन द अनलिमिटेड। पूछेंगे अमरपुरी कहाँ है। इफ यू आस्क देम वेयर इज द अमरपुरी। उनसे पूछा जाए अमरपुरी कहाँ है तो कह देंगे। इफ दे आर आस्क्ड वेयर द अमरपुरी इज दे विल से इट इज अबव। अब ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं। नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अबव एंड बिलो एट ऑल। यहाँ जो अमर बाप के अमर बच्चे बने हैं यही अमरपुरी की स्टेज में बैठे हुए। Here, those who have become the immortal children of the immortal father, they are sitting in the stage of being in Amarpuri here itself. कायदे अनुसार नहीं पढ़े हैं। Those who haven't studied properly, बल सामने बैठे हैं। Though they are sitting in front of the father, परंतु उनको धारणा नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। They don't understand what they are studying. वो पढ़ाई उनकी बुद्धि में आती ही नहीं है। That knowledge just doesn't come in their intellect. ऐसे ऐसे को भी कई ब्राह्मणियां ले आती हैं। Many brahminis bring such ones too. जिनकी बुद्धि में आत्मा का परिचय भी नहीं बैठता और बापा का परिचय भी नहीं बैठता। In whose intellect the introduction of neither the soul nor the father sits. तो भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर झूठी कथाएं तुम सुनते आए हो। So you have been listening to the false stories for many births in the path of bhakti. बहुत प्यार से सुनते थे। You listen to them very lovingly. जैसे जैसे हालात वाले लोग होंगे सुनने वाले वैसे वैसे ही मंडप बनवा देंगे। द वंस हू लिसन विल मेक द पवेलियन एज दे देमसेल्व्स आर। बैठ करके उस मंडप में सुनेंगे। दे विल सिट इन दैट पवेलियन एंड लिसन। बाप तो कहते हैं मैं बिल्कुल ही साधारण तन में आता हूँ। द फादर डज से आई कम इन एन एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी बॉडी। इसमें बहुत दिखावा करने की दरकार नहीं है। देयर इज नो नीड टू शो ऑफ अ लॉट इन इट। ये बड़ा मंडप बनवावे लाखों लोग इकट्ठे हो जावे।
that you should have a big pavilion made and lakhs of people gather in it. मैं तो थोड़े थोड़े बच्चों की महफिल में आता हूँ. In fact, I come in the gathering of few children. तो मैं थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ. I teach you few children. नाम ही रख देते हैं पांडव भवन. They give the very name पांडव भवन. और पांडव तो पांच ही गए हुए हैं. And certainly only 5 Pandavas are praised. मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल मारी हुई है. People have lost their intellect completely. जिनको आधा कल्प बुलाते हैं वही आकर के पढ़ाते हैं, ये कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है. Nobody even comes to know that the one whom they call for half a kalpa, he himself comes and teaches. अभी तुम तो प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो. You are in fact studying in practice now. वो तथाकथित ब्राह्मण प्रैक्टिकल में पढ़ाई बाप से नहीं पढ़ रहे हैं. Those so-called Brahmins aren't studying the knowledge from the father in practice. उनका कहना क्या है? What do they say? कि बाप ब्रह्मा के तन में आया था. They say the father had come in the body of Brahma. पढ़ाई पढ़ाई थी. And he had taught the knowledge. किसको पढ़ाई थी? Whom did he teach? इन दीदी दादी दादाओं को पढ़ाई पढ़ाई थी. He had taught the knowledge to these didis, dadis and dadas. इन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ी. They studied the knowledge in practice. दीदी दादी दादाएं भी नहीं जानते कि हमने किससे पढ़ाई पढ़ी. Even the didis, dadis and dadas don't know whom did they study the knowledge from. भगवान बाप से पढ़ाई पढ़ी अथवा माँ से पढ़ाई पढ़ी. Did they study the knowledge from both the father or the mother? माँ और बाप की पढ़ाई में बहुत अंतर है. There is a vast difference between the study of the mother and the father. माँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाती है. The mother teaches knowledge to the young children. छोटे छोटे बच्चे अर्थात बेसमझ बच्चे. Young children means the ignorant children. इसी बुद्धि में तुलसीदास के, कबीर दास के, रहीम दास के दोहे, कवित्व और कविताएं गहरे अर्थों में नहीं बैठती. In whose intellect the meanings of the couplets, poems and poetries of Tulsidas, Kabir Das, Rahim Das don't sit deeply. वो उनको रट लेते हैं. बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, बाबा ने मुरली में वैसे कहा. They just memorize them. Baba said like this in the Murli. Baba said like that in the Murli. लेकिन जो कहा उसका गहराई में अर्थ क्या है? मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण बुद्धू है. But what is the deep meaning of what he said? It was said in the Murli, लक्ष्मी नारायण are foolish. लक्ष्मी नारायण समझदार है. लक्ष्मी नारायण are intelligent. तो सुनावेंगे लेकिन अर्थ नहीं बता सकेंगे कि लक्ष्मी नारायण समझदार कैसे हैं और लक्ष्मी नारायण बुद्धू कैसे हैं. दो बातें विरोधी कैसे हो सकती है? सो दे विल नरेट इट but won't be able to explain its meaning as to how Lakshmi Narayan are intelligent and how they are foolish. How can there be two contradictory points? तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया. It has in fact sat in your intellect. कैसे लक्ष्मी नारायण कौन है जो समझदार है और कौन है जो बुद्धू है? Which Lakshmi Narayan are intelligent and who are the foolish ones? तो बोलते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं. समझाया हुआ था. They keep saying that and explaining things to people. पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है. It was explained, the old world is going to be destroyed and the new world is going to come. सन 66 में मुरली में भी बाबा ने बोला था.
बाबा हैड ऑल्सो सेड इट इन द मुरली इन द ईयर 1966। चित्र भी छपाए गए, पिक्चर्स वर ऑल्सो प्रिंटेड। उन चित्रों में भी ये छाप दिया गया, 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इट वॉज ऑल्सो बीन प्रिंटेड इन दोज पिक्चर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड इन 10 ईयर्स। किताबों में भी छाप दिया गया, इट वॉज ऑल्सो प्रिंटेड इन बुक्स। लेकिन जिन्होंने छपाया, जिन्होंने समझाया, उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा कि इतनी बड़ी दुनिया का विनाश 10 वर्ष में कैसे हो जाएगा। But it didn't sit in the very intellect of those who printed and explained it as to how the destruction of such a big world will take place in 10 years. सारी दुनिया को संदेश ही नहीं मिलेगा तो विनाश कैसे हो सकता है? If the entire world doesn't receive the message itself, how can destruction take place? दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो भगवान को डरावा देंगी। The human souls of the world will complain to God, हमको तो संदेश भी नहीं मिला, saying we didn't even receive the message. जबकि मुरली में बोला था बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। Whereas it was said in the Murli, the unlimited father talks to the unlimited children in the unlimited way. इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इग्नाइटेड फ्रॉम दिस यज्ञ ऑफ नॉलेज ऑफ रुद्र। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो बाहर की दुनिया वालों को पहले सेक लगेगा, बाहर की दुनिया वाले पहले स्वाहा होंगे। When the flame of destruction ignites from the yagya kund of knowledge of Rudra, will the people of the outside world face the heat first? Will the people of the outside world be sacrificed first? या ब्राह्मणों की दुनिया जो यज्ञ कुंड के आसपास बैठी हुई है वो स्वाहा होगी? Or will the world of Brahmins that is sitting around the yagya kund be sacrificed first? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। It is about the world of Brahmins first. बाप बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है। द फादर हैज कम टू टीच द स्टडीज टू द चिल्ड्रन। बाहर वालों को पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। ही इज इन टीचिंग द स्टडीज टू द पीपल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अंदर की दुनिया की बात थी। सो इट वॉज अबाउट द इनसाइड वर्ल्ड। ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन की बात थी। इट वॉज अबाउट द गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स। पुरानी दुनिया के ब्राह्मणों का पुराना संगठन खलास होने वाला है। द ओल्ड गैदरिंग ऑफ द ब्राह्मिन्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड इज अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि झूठ के पट्टे पर है, सच्चाई के पट्टे पर नहीं, सच्चाई बुद्धि में बैठ ही नहीं है। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड नॉट ऑन ट्रूथ, द ट्रूथ हैजंट सैट इन द इंटेलेक्ट। कि नई दुनिया की स्थापना कैसे होनी है, एज टू हाउ द न्यू वर्ल्ड इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होना है, एंड द ओल्ड वर्ल्ड इज टू बी डिस्ट्रॉयड। और तुम्हारी तो सूक्ष्म बुद्धि में बिंदु को याद करते करते ऐसी सूक्ष्म बुद्धि बन गई जो हर सूक्ष्म पॉइंट बुद्धि में बैठता जाता है। एंड इन योर सटल इंटेलेक्ट, योर इंटेलेक्ट हैज बिकम सो सटल बाय रिमेम्बरिंग द पॉइंट That every subtle point keeps sitting in your intellect. क्यों? तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म क्यों बनी? Why? Why did your intellect become subtle? उन तथाकथित ब्राह्मणों की इतनी सूक्ष्म बुद्धि क्यों नहीं बनी? Why didn't the intellect of those so-called Brahmins become so subtle? बताया, एक है मुखवंशावली ब्राह्मण और एक है कुखवंशावली ब्राह्मण। It was said, one are the mouth-born progeny Brahmins, and the other are the lap-born progeny Brahmins. जो मुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं, वो मुख की बात पर गौर करते हैं। The mouth-born progeny Brahmins pay attention to the words said through the mouth. परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो गीता ज्ञान सुनाया, उस मुख के सुने हुए गीता ज्ञान पर गौर किया।
दे पेड अटेंशन टू द नॉलेज ऑफ द गीता विच द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा. मंथन किया, मनन चिंतन मंथन किया. दे थॉट एंड टर्न्ड ओवर इट. ब्रह्मा की तरफ गौर नहीं किया. दे डिडंट पे अटेंशन टू ब्रह्मा. अगर किया होता. हैड दे पेड अटेंशन टू हिम. ब्रह्मा की तरफ बुद्धि गई होती. हैड दे इंटेलेक्ट गॉन टूवर्ड्स ब्रह्मा. मोह गया होता. हैड दे गॉट अटैच्ड टू हिम. तो उसकी निशानी क्या होती. What would be its sign? निशानी भी बता दू. Its sign was also mentioned. मुरली में बोला है. It is said in the Murli. इस ब्रह्मा के चित्र को रखने की दरकार नहीं है. You don't need to keep the photo of this Brahma. अगर इस ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे. If you keep the photo of this Brahma, you will become impure. स्पष्ट मुरली में बोल दिया. It has been said clearly in the Murli. जिनकी बुद्धि लगी हुई है शिव की मुरली में, वो मुख की निकली हुई मुरली में ध्यान देने वाले हैं, ब्रह्मा के चेहरे पर ध्यान देने वाले नहीं है. And those whose intellect is engaged in Shiv's Murli, they are those who pay attention to the Murli narrated through the mouth. They aren't those who pay attention to Brahma's face. असली चीज मुरली है या ब्रह्मा का मुख है. What is that actually matters? The Murli or Brahma's face? Murli है, मुरली भगवान की मुरली है. It is the Murli. Murli is God's Murli. ब्रह्मा का चेहरा तो माध्यम है. Brahma's face is just a media. जैसे लाउड स्पीकर होता है. For example, there is a loud speaker. उसका घोंगा मुख्य चीज नहीं है. Its speaker is in the main thing. लेकिन जो बोलने वाला है वो मुख्य. But the one who speaks is main. ध्यान उसकी तरफ जाता है. The attention goes to him, that is the one who speaks. लेकिन जो देहाभिमानी थे बाबा के मना करने पर भी उन्होंने ब्रह्मा का चित्र रखा. But the body conscious ones kept Brahma's photo despite Baba prohibiting them from doing so. क्योंकि ब्रह्मा की देह से लगाव हो गया. It is because they got attached to Brahma's body. गोद का प्यार लिया तो गोद से लगाव हो गया. They received the love of his lap, so they became attached to it. और तुम बच्चे तो आते ही बाद में. And you children certainly come later. क्या? What? जो भी एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे हैं, वो लास्ट में आए हैं या पहले पहले के आए हुए हैं? All the children who come in the advance party, have they come last or in the beginning? लास्ट में आते हैं और फास्ट जाते हैं. क्या कारण है? They come last and go fast. What is the reason? नहीं, जो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आए हैं. स्टूडेंट्स रिप्लाई, नो, दोज़ हू हैव कम इन द नॉलेज आफ्टर ब्रह्मा लेफ्ट हिज बॉडी. उन्होंने ब्रह्मा का चेहरा देखा ही नहीं. हैवंट सीन हिज फेस एट ऑल. देखा ही नहीं तो ममत तो जाता ही नहीं. When they haven't seen it, they don't become attached to it. गोद का प्यार लिया ही नहीं. When they haven't taken the love of the lap at all, तो लगाव कैसे जावेगा? How will they become attached to it? जो मुरली सुनते हैं उस मुरली की तरफ लगाव जाता है. They form attachment for the मुरली they listen to. मुरली में जो बातें बोली हुई हैं, उन बातों के ऊपर बुद्धि टिक जाती है. Their intellect stabilizes on the points said in the Murli. Murli तो बोलती है बच्चे मुझे याद करो. The Murli does say, children remember me. इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना. You shouldn't even remember this Brahma. तीन तबक के सूक्ष्म बतन में दिखाई है. Three levels are shown in the subtle world. ब्रह्मा साकारी दुनिया मृत्युलोक के तबके की तरफ बैठा हुआ है. Brahma is sitting at the level of the corporeal world, that is Mrityulok. ब्रह्मा की स्टेज किधर है?
वेयर इज ब्रह्मा स्टेज? मृत्यु लोक की ओर, टुवर्ड्स मृत्यु लोक। उससे ऊंची स्टेज है विष्णुपुरी, और उससे भी ऊंची स्टेज है शंकरपुरी। द अबोर्ड ऑफ विष्णु इज द स्टेज हायर देन दैट, एंड द स्टेज इवन हायर देन दैट इज द अबोर्ड ऑफ शंकर। शंकरपुरी में शंकर कहाँ बैठा हुआ है? वेयर इज शंकर सिटिंग इन द अबोर्ड ऑफ शंकर? परम धाम की ओर, टुवर्ड्स द सुप्रीम अबोर्ड। तो सबसे ऊंची स्टेज कौन सी पुरी की हुई? सो विच अबोर्ड हैज द हाईएस्ट स्टेज? शंकरपुरी की हुई, द अबोर्ड ऑफ शंकर। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। इट इज सेड डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस थ्रू शंकर। जो विनाश, आतताइयों का विनाश, अधर्मियों का विनाश कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका। नो रिलीजियस फादर कुड डू द डिस्ट्रक्शन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टायरेंट वंस, द इरिलीजियस वंस। इब्राहिम नहीं कर सके, बुद्ध नहीं कर सके, क्राइस्ट नहीं कर सके, मोहम्मद नहीं कर सके, गुरु नानक नहीं कर सके। पुरानी परंपराओं का, पुरानी चलन का, पुराने संस्कारों का, पुराने पुराने धर्मों का विनाश कोई ने किया ही नहीं। नीदर इब्राहिम नॉर बुद्धा, नीदर क्राइस्ट मोहम्मद नॉर गुरु नानक कुड डू इट। Nobody destroyed the old traditions, the old customs, old sanskars, old religions at all. और ही अपना आकर के एक नया धर्म ऐड कर दिया। They all the more added a new religion of theirs. तो दुनिया में मत मतांतर बढ़ते रहेंगे या घटेंगे? So, will the difference of opinion keep increasing or decreasing in the world? खंडन तो हुआ नहीं पुराने पन का। ओल्डनेस वॉज सर्टनली नॉट पुट टू एन एंड। और अगर वो धर्म पिताए पुराने पन का खंडन करें, एंड इफ दोज रिलीजियस फादर्स विश टू पुट एन एंड टू द ओल्डनेस, तो कर भी नहीं सकते। दे कांट डू इट ईदर। क्यों नहीं कर सकते? उनसे पहले जिसने धर्म की स्थापना की है वो ज्यादा पावरफुल थे या बाद वाले ज्यादा पावरफुल? Why can't they do it? Were the ones who stabilized their religion before them more powerful, or the ones who come later on more powerful? जितना धर्म पिता पुराना होगा उतने उस धर्म के फॉलोअर्स भी ज्यादा पुराने होते हैं, उनमें ज्यादा ताकत होती है। पुरानी आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होती है। द फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन आर ऑल्सो एज ओल्ड एज द रिलीजियस फादर, दे आर मोर पावरफुल। द ओल्ड सोल्स आर द वंस हू प्ले एन ऑलराउंड रोल। उन शक्तिशाली आत्माओं का मुकाबला करना नए धर्म पिताओं के बस की बात नहीं है। It isn't in the capacity of the new religious fathers to face those powerful souls. हाँ, थोड़ा थोड़ा कन्वर्शन कर लेते हैं। जो भी आए हिंदुओं को कन्वर्ट करते गए, खुश हो गए कि हमने इनको जीत लिया। Yes, they convert the souls to some extent. Whoever came kept converting the Hindus and became happy, thinking, I have won over them. लेकिन नहीं। बट नो, उन्होंने कच्चों को कन्वर्ट किया या पक्कों को कन्वर्ट किया? जो कच्चे कच्चे थे, जिन्होंने ईश्वर की पढ़ाई को पूरा पढ़ा नहीं, तवज्जा नहीं दिया, रेगुलर नहीं हुए, पंक्चुअल नहीं हुए, उन आत्माओं को कन्वर्ट कर दिया। डिड दे कन्वर्ट द वीक वंस और द स्ट्रॉन्ग वंस? दे कन्वर्टेड द सोल्स हु वर वीक, हु डिडंट स्टडी द कंप्लीट नॉलेज ऑफ गॉड, who didn't give importance to it, who didn't become regular, who didn't become punctual. इसलिए बाप कहते हैं, this is why the father says, बच्चे मेरा disregard न करो। Children, don't disregard me. जो भी निमित्त गीता पाठशाला है, जो भी सेंटर है, मिनी मधुबन है, जहाँ भी क्लास करने के लिए निमित्त बना हुआ खेल है, वहाँ रेगुलर क्लास करना चाहिए।
पंक्चुअल क्लास करना चाहिए, उससे बाप का, टीचर का, गुरु का रिगार्ड होता है। यू शुड डू क्लास रेगुलरली एंड पंक्चुअली एट द गीता पाठशाला सेंटर मिनी मधुबन और विच एवर प्लेस दैट इज रिजर्व फॉर क्लास। By doing that, you give regard to the father, the teacher and the guru. Teacher ka regard karenge, to teacher student ka regard karenge. If you give regard to the teacher gives regard to the student. Student ko pyar karta hai. He loves the student. Jo pyare bacche hote hain, pyare student hote hain, unhe teacher apne nazdik khinchta hai. The teacher draws the sweet children, the sweet students towards himself. समीप बुलाता है। He calls them close to him. समीप बुलाता है क्या मतलब? What does it mean by he calls them close to him? नए ग्रुप से नजदीक बैठाता है। Does he make them sit close to him in the form of the body? नए ग्रुप से नजदीक बैठाने की बात नहीं है। It isn't about making them sit close in the form of the body. जिस तन में प्रवेश करता है उस तनधारी आत्मा के जन्म जन्मांतर नजदीकी स्टेज प्राप्त होती है। The body whom he enters, they attain a stage close to that bodily being soul for many births. मुख्य हीरो हीरोइन राम और कृष्ण की आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। The hero-heroine are the chief. The souls of Ram and Krishna are the hero-heroine of this stage-like world. माँ के रूप में कृष्ण की soul ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। The soul of Krishna plays the role of Brahma as the mother. बाप के रूप में राम की आत्मा हीरो का पार्ट बजाती है। The soul of Ram plays the role of the hero as the father. इन हीरो हीरोइन के नजदीक जन्म मिलता है। दे हैव बर्थ क्लोज टू दिस हीरो हीरोइन। और नजदीक रहना होता है। एंड स्टे क्लोज टू देम। तो अनेक जन्मों का संग का रंग शक्तिशाली आत्माओं का जिनको मिला है वो आत्माएं जरूर शक्तिशाली बनकर के रहती। So the souls who have received the color of the company of the powerful souls for many births certainly stay powerful. बाद में आने वाले जो दूसरे दूसरे धर्म पिताए हैं, धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावरफुल संग मिला हुआ है। The other religious fathers and the followers of their religions who come later on can't convert them because they have received a powerful company. ऊंची से ऊंची स्टेज है शंकर की, उससे नीचे स्टेज है विष्णु की और उससे नीचे स्टेज ब्रह्मा की दिखाते। सो शंकर हैज द हाईएस्ट ऑफ द हाई स्टेज, विष्णु हैज अ स्टेज लोअर देन हिज एंड ब्रह्मा इज शोन टू हैव अ स्टेज लोअर देन हिज दैट इज विष्णु स्टेज। इसलिए भक्ति मार्ग में तीन संप्रदाय विशेष बन गए। दिस इज वाई Three communities were specially formed in the path of bhakti. Brahma Samaji, Vaishnav Sampradayi and Shaiva Sampradayi. Brahma Samaji, the Vaishnav community and the Shaiva community. जो Shaiva Sampradayi के होते हैं, वो आपन को समझते हैं हम शिव के बच्चे। Those who belong to the Shaiva community consider themselves to be the children of Shiv. शिव ने आकर के हमको अपना बच्चा बनाया। दे थिंक शिव हैज मेड अस हिज चिल्ड्रन ऑन कमिंग। वो असल सूर्यवंशी हैं। दे आर द रियल सूर्यवंशी। ज्ञान सूर्य की औलाद समझते हैं। दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द प्रोजेनी ऑफ द सन ऑफ नॉलेज। जैसे गीता में लिखा हुआ है, मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाता हूँ। Just like it is written in the Gita, when I come, I narrate the knowledge to the sun first of all. चंद्रमा को नहीं सुनाता, पहले सूर्य को डायरेक्ट ज्ञान सुनाता हूँ। I don't narrate it to the moon. I narrate knowledge directly to the sun first of all. तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं,
वो इस उमंग उत्साह में रहते हैं कि हमने डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ी। सो द सूर्यवंशी चिल्ड्रन स्टे इन दिस ज़ील एंड एंथुसियाज्म, वी हैव स्टडीड डायरेक्टली फ्रॉम द फादर। जन्मुख पढ़ाई पढ़ी है। वी हैव स्टडीड फेस टू फेस। क्या और जो है उन्होंने देहदारी धर्म गुरुओं से पढ़ाई पढ़ी है और हमने बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी। वॉट द अदर्स हैव स्टडीड फ्रॉम द बॉडीली रिलीजियस गुरुज, वेल वी हैव स्टडीड डायरेक्टली फ्रॉम द फादर। वो उमंग उत्साह है, उनको इसी जीवन में सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। That zeal and enthusiasm makes them attain all the attainments in this birth itself. पढ़ाई की प्रारब्ध भी इसी जन्म में प्राप्त होती है। They also attain the reward of the studies in this very birth. हमारी पढ़ाई क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? What is our study? What is its aim? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। To become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त करना है या अगले जन्म में प्राप्त करना है? इसी जन्म। Do we have to attain this aim of becoming Narayan from a man and Lakshmi from a woman in this very birth or in the next birth? और दुनिया भी पढ़ाइयां भी होती हैं। There are those worldly studies as well. डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे। दिस स्टडी मेडिसिन लॉ इंजीनियरिंग। पढ़ाने वाला अगर ये कहे कि तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में तुमको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, इसको कोई पढ़ाई पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। इफ द टीचर सेज स्टडी द स्टडीज हियर एंड आई विल मेक यू इनटू एन इंजीनियर अ डॉक्टर इन द नेक्स्ट बर्थ, विल एनीबडी स्टडी सच स्टडीज? वो देहदारी धर्मगुरु लोग तो बुद्धू बनाते रहते। दोज बॉडीली रिलीजियस गुरुज कीप फूलिंग यू। क्या कहते हैं, यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, नहीं कर पाओगे तो अगले जन्म तुमको प्राप्ति हो जाएगी। अरे वॉट दे से, कीप मेकिंग पुरुषार्थ हियर, इफ यू आरंट एबल टू मेक इट यू विल अटेन द अटेनमेंट इन द नेक्स्ट बर्थ। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी कपड़ा दोनों को यही साफ करके जाऊंगा। अरे हियर द फादर इन फैक्ट सेज आई विल गो आफ्टर क्लीनिंग बोथ योर सोल एज वेल एज योर क्लॉथ लाइक बॉडी हियर इटसेल्फ। आत्मा भी पार जावेगी विषय सागर के और शरीर रूपी नैया भी इस विषय सागर के पार जावेगी। द सोल एज वेल एज द बोट लाइक बॉडी विल गो अक्रॉस दिस ओशन ऑफ वाइसेस। मैं खुद पार लेकर के जाऊंगा। आई माई सेल्फ विल टेक इट अक्रॉस। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ जावेंगे। वी विल स्टे टुगेदर, वॉक टुगेदर, लिव टुगेदर एंड गो बैक टुगेदर। वो गुरु लोग तो यही छोड़ जाते। दोज गुरुज जस्ट लीव यू हियर। गुरु का टाइटल तो ले लेते हैं लेकिन सदगति अपन ही नहीं कर पाते, तो अपने फॉलोअर्स की सदगति कहाँ से करेंगे? वो चाहे दुनियावी गुरु हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु। दे इंडीड टेक ऑन द टाइटल गुरु बट दे देमसेल्व्स आरंट एबल टू अटेन सदगति, देन हाउ विल दे ब्रिंग अबाउट द सदगति ऑफ देयर फॉलोअर्स, वेदर दे आर द बॉडीली गुरुज और द गुरुज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स। बाप कहते हैं मैं कोई प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं सिखाता हूँ। The father says, I don't teach any kind of blind faith. Yeah? What? Andhasraddha bhakti marg mein sikhai jati hai. Guruon ke dwara. Blind faith is taught by gurus in the path of bhakti. Main to har baat ke hijje hijje karke samjhata hu. I explain each and every point in detail. Jo bhi padhai padhni hai, यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई की प्रारब्ध भी यहाँ प्राप्त करनी है। वॉट एवर स्टडीज यू हैव टू स्टडी इट हियर एंड यू ऑल्सो हैव टू अटेन द रिवॉर्ड ऑफ दैट स्टडी हियर। लेकिन बात को गहराई तक समझना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स इन डेप्थ। जो यहाँ जितने निश्चय बुद्धि बनेंगे वो बाप के यहाँ अमर बच्चे बनेंगे।
द मोर समवन बिकम्स निश्चय बुद्धि दे विल बिकम द फादर्स इमोर्टल चिल्ड्रन हियर। बार बार मरते रहेंगे, बार बार अनिश्चय बुद्धि होते रहेंगे तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ दे कीप डाइंग अगेन एंड अगेन, इफ दे कीप बिकमिंग अनिश्चय बुद्धि अगेन एंड अगेन? कौन सी लिस्ट में जाएंगे? अमरनाथ के बच्चे बनेंगे या ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे? विच लिस्ट विल दे गो इन? विल दे बिकम द चिल्ड्रन ऑफ अमरनाथ और द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा? ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। ब्रह्मा फिनिशेस इन द मृत्यु लोक। शंकर के लिए ऐसे नहीं कहते क्या? इट इजंट सेड सो फॉर शंकर। व्हाट? कि शंकर मृत्यु लोक में खलास हो, विष्णु के लिए भी नहीं कहते। शंकर फिनिशेस इन द मृत्यु लोक। इट इजंट सेड सो फॉर विष्णु ईदर। विष्णु और शंकर ये दो मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, जिनकी मूर्तियां बनती हैं, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं। विष्णु एंड शंकर आर टू सच पर्सनैलिटीज हु आर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स, हुज आइडल्स आर मेड, हुज टेम्पल्स आर बिल्ड। यादगार मंदिर अभी भी बने हुए हैं। There are the Yadgar temples even now. ब्रह्मा का भी मंदिर बना हुआ है। There is a temple of Brahma as well. लेकिन वो सिर्फ एक ही है। But it is only a single temple. उस मंदिर में भी जाने वाले जिज्ञासु पूजा नहीं करते हैं। Even the people who visit that temple don't worship him. कौन पूजा करते हैं? Who worship him? जो वहाँ मंदिर में रहने वाले पुजारी हैं, पंडे हैं, वो ही पूजा करते हैं। ओनली द प्रीस्ट्स एंड पंडित्स हु स्टे इन द टेम्पल वर्शिप हिम। कहाँ की यादगार? व्हेन इज इट ए यादगार? संगम युग में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं कि हमारा गीता का भगवान कहाँ पाया हुआ। इन द कॉन्फ्लुएंस एज द ब्रह्मा कुमार कुमारी से आवर फादर गॉड ऑफ द गीता हैज कम। गीता का भगवान साकार में बाप आया। अच्छा आया तो कहाँ गया? गॉड ऑफ द गीता द फादर केम इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म। इफ दे आर आस्क्ड, अच्छा इफ ही केम वेयर डिड ही गो? जवाब नहीं। दे डोंट हैव एन आंसर टू इट। गीता का भगवान आया, गीता ज्ञान सुना करके चला गया। दे से गॉड ऑफ द गीता केम, ही नरेटेड द नॉलेज ऑफ द गीता एंड वेंट बैक। अब हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं। We are studying the knowledge of the Gita now. अरे वो तो धर्म पिता भी आए। अरे इवन द रिलीजियस फादर्स केम। वो भी अपने अपना ज्ञान सुना करके चले गए। दे टू नरेटेड दे ओन नॉलेज एंड लेफ्ट। परिवर्तन तो दुनिया का नहीं हुआ। बट द वर्ल्ड सर्टेनली डिडंट रिफॉर्म। जब दुनिया का परिवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर भगवान के आने में और धर्म पिताओं के आने में अंतर किस बात का हुआ? When the world didn't reform at all, what is the difference between the arrival of God and the arrival of the religious fathers? भगवान को दुनिया इतना याद क्यों करती है? Why does the world remember God so much? धर्म पिताएं भी भगवान को मानते हैं। The religious fathers also believe in God. वो भी God Father को मानते हैं। They also believe in God the Father. क्राइस्ट भी अपने को भगवान नहीं कहता था। क्राइस्ट टू डिडंट यूज टू कॉल हिमसेल्फ गॉड। गुरु नानक भी अपने को भगवान नहीं कहते थे। गुरु नानक डिडंट यूज टू कॉल हिमसेल्फ गॉड ईदर। इसका मतलब उन धर्म पिताओं से भी ऊंचा गॉड फादर है। वो गॉड फादर इस सृष्टि को आकर के परिवर्तन करके जाता है। इट मीन्स इट इज गॉड द फादर हु इज हायर देन इवन द रिलीजियस फादर्स। That God the Father comes and goes back after transforming this world. वो परिवर्तन शक्ति उस बाप में है जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। That Father has the power to transform, who transforms the world of hell into heaven. नरक की दुनिया और ही नरक बनती चली जाए। If the world of hell goes on becoming hell even more, तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? What is the use of God's arrival? शास्त्रों में भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी।
पीपल हैव रिटन सच थिंग्स इन द स्क्रिप्चर्स एज वेल. क्या वॉट? कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए, महाभारत युद्ध कराया. गॉड कृष्ण केम एट द एंड ऑफ द कॉपर एज एंड हैड द महाभारत वॉर वेज्ड. रिजल्ट क्या हुआ? वॉट वॉज द रिजल्ट? पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए. अरे ही वेंट आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द सिंफुल आयन एज. अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आता है. डज गॉड कम टू एस्टेब्लिश द सिंफुल आयन एज? पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है क्या? डज ही कम टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड ऑफ सिंस? अरे भगवान तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है. अरे गॉड इज इनफैक्ट कॉल्ड ट्रू गॉड द फादर. सत्यनारायण की आकर के कथा सुनाता है. ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ सत्यनारायण आफ्टर कमिंग. सत्यनारायण की जीवन कहानी सुनाता है. नर से सत्यनारायण बनाने आता है. ही नरेट्स द बायोग्राफी ऑफ सत्यनारायण. ही कम्स टू मेक यू सत्यनारायण फ्रॉम अ मैन. तो वो सत्ययुग की स्थापना करके जाएगा या कलयुग की स्थापना करके जाएगा? सो विल ही गो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द गोल्डन एज और द आयरन एज? वो तो आता ही है सत्य बाप सत्य खंड की स्थापना करने और झूठ खंड का विनाश करने के लिए आता. दैट ट्रू फादर सर्टनली कम्स टू एस्टेब्लिश द लैंड ऑफ ट्रूथ एंड डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ फॉल्सहुड. ये झूठ खंड का विनाश, झूठे धर्मों का विनाश, झूठे मत मतांतरों का विनाश, झूठे राज्यों का विनाश, ये और कोई मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है. नो अदर ह्यूमन बींग हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ फॉल्सहुड, द फॉल्स रिलीजन्स, द फॉल्स ओपिनियंस एंड फॉल्स किंगडम्स. क्योंकि जन्म जन्मांतर सब नीचे उतरते चले आए. बिकॉज एवरी वन हैज कंटिन्यूड टू डिसेंड फॉर मेनी बर्थ्स. सब काल के गाल में गिरते चले आए. एवरी वन हैज कंटिन्यूड टू फॉल इन द जॉज ऑफ डेथ. इतनी बड़ी दुनिया में इतने इतने धर्म फैले हुए हैं, इतने इतने मत मतांतर फैले हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े राज्य राज्याधीश बैठे हुए हैं, इनका मुकाबला करना मनुष्य के बस की बात नहीं है. इट इजंट इन द कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बींग टू फेस सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस दैट हैव स्प्रेड सच बिग किंगडम्स एंड देयर लीडर्स हु आर सिटिंग इन सच अ बिग वर्ल्ड. ये तो गॉड फादर है जो अति साधारण रूप में आता है, साधारण तन में आता है. इट इज गॉड द फादर हु कम्स इन एन एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी फॉर्म इन एन ऑर्डिनरी बॉडी. बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े धर्माधीश उसको पहचान ही नहीं पाते. बिग लीडर्स एंड रिलीजियस हेड्स जस्ट aren't एबल टू रिकॉग्नाइज हिम. वो अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क बिछाता रहता है. ही कीप्स स्प्रेडिंग हिज नेटवर्क विद इन. किसी को पता ही नहीं चलता. नोबडी इवन कम्स टू नो. ये ऐसी हस्ती भी संसार में आ चुकी है जो हम सबका तख्ता उलट देगी. That such a personality has come in this world who will overthrow all of us. Supreme Soul बड़ा युक्तिवादी. That Supreme Soul is very tactful. रमतु रमजबाज है. He is रमतु रमजबाज. That is one who gets things done in a playful manner. कोई धर्म पिता से, कोई धर्माधीश से, कोई राज्याधिकारी से सीधी टक्कर नहीं लेता. ही डजंट कन्फ्रंट एनी रिलीजियस फादर, एनी रिलीजियस हेड और एनी रॉयल ऑफिसर डायरेक्टली. शास्त्रों में भी गाया हुआ है. इट इज ऑल्सो प्रेस्ड इन द स्क्रिप्चर्स. क्या गाया हुआ है? वॉट इज प्रेस्ड? कृष्ण को भगवान गाया हुआ है, राम को भगवान गाया हुआ है, शंकर को भगवान गाया हुआ है. कृष्ण इज प्रेस्ड एज गॉड, राम इज प्रेस्ड एज गॉड, शंकर इज प्रेस्ड एज गॉड. शंकर भगवान ने भस्मासुर से सीधी टक्कर ली क्या? डिड गॉड शंकर फेस भस्मासुर डायरेक्टली? भस्मासुर वॉज अ डीमन हु रिसीव्ड अ बोन फ्रॉम शंकर टू बर्न टू एशेस एनीवन ऑन होम ही प्लेस्ड हिज हेड.
सारी दुनिया में भागे भागे फिरे। He kept running in the whole world. अरे लोग कहते हैं ये भगवान कैसा होता है? अरे people say, how is he God? भगवान कोई भागने वाला होता है क्या? Is God the one who runs? पीछे पीछे भगवान भागे और आगे आगे भगवान भागते फिरे, ऐसा कैसा भगवान? भस्मासुर runs after him and God keeps running from him. What kind of God is he? अरे भगवान तो अहिंसक युद्ध कराता है। अरे गॉड हैज द नॉन वायलेंट बैटल पॉट। हिंसा का युद्ध नहीं कराता, अहिंसक राज्य की स्थापना करने आता है। He doesn't have the violent battle fought. He comes to establish the non-violent kingdom. अगर वो भी हिंसक बन जाए, आमने सामने की लड़ाई लड़े। If he too becomes violent and fights a face-to-face war, तो हिंसक दुनिया की स्थापना होगी या हिंसक राज्य स्थापन होगा? हिंसक दुनिया बन जाएगी। Will the violent world or the non-violent kingdom be established? The violent world will be established. जो भी आए, जिनों जिन्होंने भी अपनी राजा इस दुनिया में स्थापन की, चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सिख धर्म के हो, whoever came, whoever established their kingdom in this world, whether they are the ones belonging to the Islam, the Buddhist religion, the Christian religion or the Sikh religion, सबने हिंसक युद्ध किए, all of them fought violent wars, और हिंसक युद्ध के आधार पर हिंसक राजा ही स्थापन कर and established violent kingship on the basis of violent wars. भगवान भगवान तो महात्माओं से भी ऊंचा होता है। God is greater than even the great men and the religious fathers. धर्म पिताओं से भी ऊंचा होता है। जब महात्माएं और धर्म पिताओं ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि हिंसा करो, किसी ने ये कहा क्या कि हिंसा करो? When the great men and the religious father never gave this message, commit violence, did anyone say commit violence? तो भगवान फिर हिंसा कैसे करेगा और हिंसा कैसे सिखाएगा? Then how will God commit violence and teach violence? ये तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म बातें लिख दी है। People have written these confusing things in the scriptures. कि भगवान ने हिंसक युद्ध कराया। That God had the violent battle fought. महाभारत युद्ध कराया। He had the महाभारत war waged. ऐसी कोई बात नहीं। There is nothing like that. भगवान आते हैं, when God comes, तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले दोनों अहिंसक दुनिया का राज्य करते हैं। He narrates such knowledge that both the ones who listen to and narrate that knowledge rule the non-violent world. अहिंसक दुनिया में जाते हैं, they go to the non-violent world. हिंसा की कोई बात ही नहीं। There is no question of violence at all. हिंसा देहधारियों का काम है, देह अभिमानियों का काम है। It is the bodily beings, the body conscious ones who commit violence. जो रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, those who study the spiritual study, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं, वो वाइब्रेशन की ताकत इकट्ठी करते हैं। Who teach the spiritual study gather the power of vibrations. Yeah, जैसे नेहरू जी थे। What? For example, there was Nehru ji. Nehru ji का कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, No matter how much someone opposed Nehru ji. सख्त विरोधी हो, No matter if he was a strong opponent. लेकिन जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण करते थे तो उनके अनुकूल हो जाता। ये कौन सी पावर है? When Nehruji used to deliver a lecture coming face to face with him, he, that is the opponent, turned in his favor. ये वाइब्रेशन का पावर। What power is this? This is the power of vibrations. रूह वाइब्रेशन बनाने वाली है। It is the soul who creates vibrations. अच्छे से अच्छा वाइब्रेशन बना सकती है और खराब से खराब वाइब्रेशन बना सकती है। इट कैन क्रिएट द बेस्ट एंड द वर्स्ट वाइब्रेशंस। रूह अगर देवान में सेट हो जाए, इफ द सोल स्टेबिलाइजेस इन द बॉडी कॉन्शियस स्टेज,
तो खराब से खराब वाइब्रेशन बनेंगे, द वर्स्ट वाइब्रेशंस विल बी क्रिएटेड। और रूह अगर रूहानी स्टेज में स्थिर हो जाए, एंड इफ द सोल स्टेबिलाइजेस इन द स्पिरिचुअल स्टेज, तो अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन, द बेस्ट वाइब्रेशंस विल बी क्रिएटेड। वो वाइब्रेशन की पावर, वो वाइब्रेशन की सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। दैट पावर ऑफ वाइब्रेशंस, द सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस हैजंट स्टार्टेड येट। बहुत थोड़ी सी आत्माएं जो यदा कदा ऐसी सेवा करती है। There are a very few souls who do such service occasionally. 70 साल हो गए। 70 years have passed. इस यज्ञ को चलते चलते। Since this yagya is going on. कितनी वाचा की सेवा हुई। So much service through speech has been done. कितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ की सेवा हुई। सो मच सर्विस ऑफ रनिंग अराउंड थ्रू द कर्मेंद्रिया हैज बीन डन। परिवर्तन कितना आया। हाउ मच ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। हमारा अपना परिवर्तन कितना हुआ। हाउ मच डिड वी अवरसेल्फ्स रिफॉर्म। समाज में कितना परिवर्तन हुआ। हाउ मच डिड द सोसाइटी रिफॉर्म। देश में क्या परिवर्तन आया और दुनिया में क्या परिवर्तन आया। What transformation has been brought about in the country and what reformation has been brought about in the world? Pomp and show बढ़ा लिया, वो एक अलग बात। Pomp and show increased, that is another thing. लेकिन अंदरूनी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। But no inner transformation took place. वो कब होगा। When will that happen? कोई कहे कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ तो आगे 30 साल में हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी। If someone says nothing happened in 70 years, then what is the guarantee that it will happen in the next 30 years? उसका जवाब ये है कि जैसे पूरी कढ़ाई में डाली जाती है गरम गरम तेल में, जब तक पूरा पकती नहीं है तब तक नीचे रखी रहती है। इट्स आंसर इज जस्ट लाइक व्हेन अ पूरी इज पुट इन हॉट ऑयल इन अ पैन, इट रिमेन्स एट द बेस अनलेस इट इज फ्राइड कम्प्लीटली। पूरी इज एन इंडियन डिश, और जब पक जाती है तो फूल के ऊपर आ जाती है। एंड व्हेन इट इज फ्राइड इट पफ्स एंड कम्स टू द सर्फेस। ऐसे ये राजयोग है। राजयोग इज सिमिलर टू दिस प्रोसेस। गुप्त ज्ञान है और गुप्त याद है। इट इज सीक्रेट नॉलेज एंड सीक्रेट रिमेम्बरेंस। ये अंदर अंदर पक रही है। द सोल्स आर बींग कुक्ड विद इन। पकते 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 जब नंबर वार आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। While being cooked gradually, when they are revealed number wise, तो उनकी ताकत भी संसार में प्रत्यक्ष होने लगी। Their power will also start being revealed in the world. राजयोगी नंबर वार प्रत्यक्ष होने लगेंगे। राजयोगीज विल स्टार्ट बींग रिवील्ड नंबर वाइज। नौ लाख सितारे सारी दुनिया में विनाश के टाइम पर ज्ञान की और योग की चमक मारेंगे। द 9 lakh स्टार्स विल रेडिएट द लाइट ऑफ नॉलेज एंड योग एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। जैसे पारस पत्थर का गायन है। फॉर एग्जाम्पल देर इज द प्रेज ऑफ द स्टोन पारस। क्या गायन है। वॉट इज इट्स प्रेज। वो पारस पत्थर जहाँ भी लोहे को छू दिया जाए तो सोना बन जाता है। Wherever the stone Paris touches iron, it becomes gold. वो तो एक गायन बनाया हुआ है। That is just a praise. वास्तव में बात बेहद की है। ये जो बेहद की पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, जब ऐसी संपन्न पारस बुद्धि आत्माओं के संसर्ग में संपर्क में आ गई,
दृष्टि के संपर्क में आवेंगी, वाचा के संपर्क में आवेंगी, तन के संपर्क में आवेंगी, संसर्ग में आवेंगी, तो कट से उनका परिवर्तन हो जाएगा। एक्चुअली इट इज अबाउट द अनलिमिटेड, दैट वेन द अनलिमिटेड सोल्स विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विद सच कम्प्लीट सोल्स लाइक पारस बुद्धि, वेन दे कम इन देयर कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन थ्रू दृष्टि स्पीच एंड बॉडी दे ट्रांसफॉर्म क्विकली। कितना भी कोई विरोधी क्यों नो, नो मैटर हाउ मच समवन ऑपोजिट देम, संग के रंग में आने से उनको संग का रंग न लगे, ये हो नहीं सकता। It is impossible that despite being in the color of their company, they aren't influenced by it. ऐसा वाइब्रेशन परिवर्तन करने वाली आत्माएं संपन्न आत्माएं बन जाएंगी, लेकिन बनेगी नंबर वार पुरुषार्थ। They will become such complete souls who transform the vibrations, but they will become that number wise according to their purusharth. जिन्होंने जितनी ईश्वरीय ज्ञान की गहरी पढ़ाई पढ़ी होगी उनका उतना उतना परिवर्तन होगा। Someone will be transformed to the extent he would have studied the deep study of the knowledge of God. और वो परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई देगा। And that transformation will be visible externally. ऐसे नहीं अंत तक गुप्त रहेगा। It isn't that it will remain hidden till the end. नहीं। No. टाइम है, देर इज टाइम। क्या टाइम है? वॉट इज दैट टाइम? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा मत मतांतरों का, पुराने संस्कारों का, भक्ति मार्ग के संस्कारों का खंडन, विनाश। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्राह्मण रिलीजन थ्रू ब्रह्मा and refutation, destruction of the different opinions, the old sanskars, the sanskars of the path of bhakti through Shankar. और विष्णु द्वारा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व के संस्कार धारण किए गए हैं, जो ब्राह्मणत्व के संस्कार से कभी नीचे नहीं उतरते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की पालना करो। And through Vishnu, the sustenance of such Brahmins who have assimilated the elevated sanskars of Brahminism, those whose sanskars of Brahminism never degrade. ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्राह्मणों ने पढ़ाई पढ़ी वो सब ब्राह्मण नीची कुली के। It isn't that all the Brahmins who studied the knowledge through Brahma belong to a lower category. भक्ति मार्ग में कुलियां होती है ना ब्राह्मणों की? There are categories of Brahmins in the path of bhakti, aren't there? कोई ऊंची कुरी का ब्राह्मण, कोई नीची कुरी का ब्राह्मण। Some Brahmin belongs to a higher category, while some Brahmin belongs to a lower category. नौ ब्राह्मणों की कुरियां मानी जाती है। It is considered that there are nine categories of Brahmins. तो ये नौ धर्मों से connected हैं। So they are connected to the nine religions. जो नौ धर्म भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करने की लिस्ट में आते हैं। The nine religions that come under the list of attaining something or the other from God. उनमें जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है सूर्यवंश, वो तो यज्ञ के आदि से ही अलग हो गया था। Among them, सूर्यवंश, which is the highest of the high religion, had separated from the very beginning of the yajna. जिसके लिए मुरली में बोलते हैं राम फेल हो गया। फॉर विच इट इज सेड इन द मुरली राम फेल्ड। कौन से एग्जाम में फेल हो गया? फाइनल एग्जाम में फेल हो गया या मासिक एग्जाम में फेल हो गया, त्रैमासिक में फेल हो गया? ही फेल्ड इन विच एग्जाम? डिड ही फेल इन द फाइनल एग्जाम, द मंथली एग्जाम और द क्वार्टरली एग्जाम? फाइनल एग्जाम तो अभी भी किसी का नहीं हुआ। फाइनल एग्जाम्स हैवंट स्टार्टेड फॉर एनीवन येट। फाइनल एग्जाम होगा और मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी। द फाइनल एग्जाम विल टेक प्लेस एंड द रोजरीज विल बी रिवील्ड। तो यज्ञ के आदि में जो राम फेल हो गया उसका कारण भी बताया। सो राम हु फेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ, इट्स रीजन वाज आल्सो मेंशनड।
तो शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था तो चले गए. देर वॉजंट मच नॉलेज इन द बिगिनिंग सो ही लेफ्ट. इसलिए जो चले गए यज्ञ के आदमी ही उनके पीछे पीछे उनका हुजूम भी चला गया. वो सूर्यवंशी बच्चे गए. This is why the one who left in the beginning of the yagya itself, the gathering of his followers also followed him. Those Suryavanshi children left. कोई न कोई कारण ऐसा बना कि यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई. There was some or the other reason that along with the establishment, the flame of destruction was also ignited from the yagya kund. उस विनाश ज्वाला में निमित्त कौन बने? Who became instrument in that flame of destruction? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे. ब्रह्मा, the father and the Brahmin children. ब्राह्मण बच्चों में सूर्यवंशी ग्रुप के बच्चे गए सूर्य के साथ. Among the Brahmin children, the children belonging to the group of the Suryavanshis went along with the sun. बाकी बचे चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी. रेस्ट द चंद्रवंशीज द फॉलोअर्स ऑफ द मून वर लेफ्ट. चंद्रमा कौन है? हु इज द मून? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा. ब्रह्मा द मून ऑफ नॉलेज. और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो तलखीली रोशनी देने वाला है या ठंडी रोशनी देने वाला है? एंड इज ब्रह्मा द मून ऑफ नॉलेज द वन हु एमिट्स इंटेंस लाइट और कूल लाइट? चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं, काटने वाली आत्माएं भी पलती रहती है. द सोल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स द सोल्स हु बाइट अदर्स ऑल्सो कीप रिसीविंग सस्टेनेंस इन द लाइट ऑफ द मून. सूर्य की रोशनी में तिल मिला के भस्म हो जाती है. They suffer and burn to ashes in the light of the sun. तो ऐसे ही ब्रह्मा की गोद में चंद्रवंशियों के साथ साथ इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, जो भी दूसरे और विदेशी धर्म की आत्माएं थी. So in the same way, along with the Chandravanshis, those of the Islam, the Buddhist, the Christian dynasty, the souls belonging to the other religions. The foreign religions. सारी चुनी हुई आत्माएं थी यज्ञ के याद में वो सब ब्रह्मा की गोद में पलती रही. All those selected souls in the beginning of the yagya kept receiving sustenance on Brahma's lap. ब्रह्मा की गोद में पली लेकिन ब्रह्मा को ही दुख देती रही. They received sustenance on Brahma's lap, but continued to give sorrow to Brahma himself. Hey, Vidharmi. They are no doubt Vidharmi. जो 63 जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे वो ही कन्वर्ट हुई आत्मा है यज्ञ की याद में सिंध हैदराबाद में इकट्ठी हो गई. Those who had converted to the other religions in the 63 births. Those very converted souls gathered in Sindh Hyderabad in the beginning of the yagya. उनमें थोड़ी सी चंद्रवंशी और थोड़ी सी थी सूर्यवंशी. Among them, few were Chandravanshis and few were Suryavanshis. तो सूर्यवंशी तो यज्ञ के आदि से ही गए. So the Suryavanshis went in the beginning of the yagya itself. चंद्रमा के साथ चंद्रवंशी और दूसरे दूसरे वंश की आत्माएं पलने लगी. The Chandravanshis and the souls belonging to other dynasties started receiving sustenance under the moon. उन आत्माओं ने ब्रह्मा को मृत्यु पर्यंत तक दुख दिया, सुख नहीं दिया. Those souls gave sorrow to Brahma until his death. They didn't give him happiness. यहाँ तक कि अंत में जैसे आज की दुनिया के बच्चे होते हैं माँ बाप के जीते जी सारी संपत्ति अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं.
In fact, just like the children in today's world take into their possession the entire property even while their parents are alive. और माँ बाप को दूध की मक्खी की तरह निकाल के अलग रख देते हैं। And they abandon their parents just like you chuck a fly out of milk. ऐसे ही यज्ञ के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने संस्था की सारी शक्ति, धन की शक्ति, तन की शक्ति अपनी मुट्ठी में कर ली। In the same way, there have been such children in the Yajna who took the entire power of the organization, that is the power of wealth and the physical power, into their possession. भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना कराई, बाबा को पता ही नहीं चला। They had the World Renewal Trust formed by the corrupt government. Baba didn't come to know of it at all. Mamma to pehle hi sharir chhod chuki thi. Baba bahut seedhe saadhe. Mamma had already left her body. Baba was very innocent. Mamma ka saath na hone ke karan aise bachchon ke shayantra ko nahi samajh sake. Because of not having mamma by his side, he couldn't understand the conspiracy of such children. काम सारा पूरा हो गया। All the work was done. दो दिन के बाद जब बाबा को पता चला कि ऐसे ऐसे एक वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट बनाया गया और उसमें यज्ञ के बड़े बड़े माने पहचाने महारथियों ने अपने साइन भी कर दिए तो बाबा का दिमाग ठनक गया। After 2 days, when Baba come to know that a World Renewal Trust has been formed in this way and the renowned and famous Maharathis of the Yajna have even signed it, Baba felt a sudden anxiety. जब तक डॉक्टर आया, हृदय में दर्द हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। By the time doctor came, his heart ached and he passed away. इतना हार्ट को तकलीफ हुई। His heart suffered so much pain. शास्त्रों में भी आया हुआ है। It has also been written in the scriptures. कि जो कृष्ण भगवान के रूप में जाना पहचाना गया। कृष्ण who was known and recognized as God. जिसने इतना बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध कराया। Who waged such a massive Mahabharat war? 5 पांडवों को 7 अक्षौणी बना दिया। He made the 5 Pandavas into 7 Akshoni army. 18 अक्षौणी total संख्या। The total count was 18 अक्षौणी। उसमें से 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ आ गए। Out of them, 7 Akshoni came on the side of the Pandavas. वही कृष्ण अंत समय में किसी बहेलिए ने उनके पांव में तीर मारा और छटपटा के मर गए। ऐसा हो सकता है क्या? At the end, a hunter shot an arrow at the foot of that very Krishna. He suffered pain and died. Is that possible? तीर मारा माना बात का तीर मारा। He shot him an arrow means he shot him an arrow of words. उन्हें ऐसा ऐसी बात कर दी जिस बात से उनकी बुद्धरूपी पांव घायल हो गया। Someone did something because of which his foot-like intellect was injured. और घायल होकर के छटपटा छटपटा के उन्होंने शरीर त्याग दिया। And after being injured, he suffered pain and left his body. ऐसी ऐसी दुखदायी आत्माएं यज्ञ में अम्मा जो सारी सृष्टि की अम्मा थी नामी था ब्रह्मा बड़ी माँ उसकी गोद में पलते रहे। Such sorrow-giving souls in the yajna continued receiving sustenance on the lap of the mother
हु वॉज द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड हुज वेरी नेम इज ब्रह्मा दैट इज द सीनियर मदर. उस माँ ने कितना सहन किया होगा. दैट मदर वुड हैव टॉलरेटेड सो मच. आज भी घरों घरों में माताएं कितना सहन कर रही है. इवन टूडे मदर्स आर टॉलरेटिंग सो मच इन एवरी हाउस. ब्रह्मा को कोई वर्षा नहीं मिला इस जीवन में. ब्रह्मा डिडंट ऑब्टेन एनी इनहेरिटेंस इन दिस बर्थ. ब्रह्मा माता को कोई वर्षा मिला ईश्वरीय. डिड मदर ब्रह्मा ऑब्टेन एनी इनहेरिटेंस ऑफ गॉड. इसे जीवन रहते रहते कोई वर्षा नहीं मिला. ही डिडंट ऑब्टेन एनी इनहेरिटेंस व्हाइल बीइंग अलाइव इन दिस बर्थ. तो अपने भारत की परंपरा में भी ये परंपरा चल पड़ी क्या. So this became a part of our Indian tradition as well. What? कि माताओं को कोई वर्षा संपत्ति में नहीं मिलता रहा. The mothers haven't been receiving any share of an inheritance or property. ये तो अभी भगवान बाप आए हुए हैं. तो माताओं को थोड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ने भी देना शुरू किया. It is ever since God the Father came now. That the government has also started giving some share to mothers. नहीं तो 63 जन्म तक माताओं को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता रहा. Otherwise, mothers didn't obtain any share for 63 births. बच्चों को सारा हिस्सा दे दिया जाता. All the share used to be given to the sons. तो foundation कहाँ पड़ता है दुनिया का. So where is the foundation of the world laid? इस संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है. The foundation is laid in this confluence age. अभी रिहर्सल हो रही है. The rehearsal is taking place now. चाहे तो हम अपने अनेक जन्मों की सुख की रिहर्सल करें और चाहे तो अनेक जन्मों की सुख की रिहर्सल करें. If we wish, we can perform the rehearsal of happiness for ourselves for many births. And if we wish, we can perform the rehearsal of sorrow for ourselves for many births. 500 crore actors abhi rehearsal kar rahe hain. The 5 billion actors are doing the rehearsal now. Kuch rehearsal karne wale hain. Some are yet to do the rehearsal. Sabko sandesh abhi nahi mila hai. Not everyone has received the message yet. Sari duniya ki buddhi mein baithega. It will sit in the intellect of the entire world. कि पर्दे के पीछे रहने वाला वो डायरेक्टर बाप कौन है. As to who that director the father is, who stays behind the curtain. जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता. Who isn't visible through these eyes. बुद्धि के तीसरे नेत्र से उसको जाना जा सकता है. He can be recognized through the third eye of the intellect. और जो जानता है वो डायरेक्टर बाप के डायरेक्शन पर चलता है. जो नहीं जानता वो चल भी नहीं सकता. एंड द वन हु रिकॉग्नाइजेज हिम फॉलोज द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर द फादर. द वन हु डजंट रिकॉग्नाइज हिम कांट फॉलो हिज डायरेक्शंस ईदर. अच्छी एक्ट कर भी नहीं सकता. ही कांट एक्ट नाइसली ईदर. अभी भगवान बाप पढ़ाई पढ़ाई रहे. गॉड द फादर इज टीचिंग यू नाउ. अनेक जन्मों का सुख और अनेक जन्मों का दुख लेना ये हमारी मुट्ठी में है. इट इज इन अवर हैंड्स टू ऑब्टेन हैप्पीनेस एंड सोरो फॉर मेनी बर्थ्स. चाहे तो हम जन्म जन्मांतर का सुख ले लेवे और चाहे तो जन्म जन्मांतर का दुख ले लेवे. इफ वी विश वी कैन ऑब्टेन हैप्पीनेस फॉर मेनी बर्थ्स एंड इफ वी विश वी कैन ऑब्टेन सोरो फॉर मेनी बर्थ्स. इतनी बड़ी सृष्टि में से इन सच अ बिग वर्ल्ड 10 करोड़ आत्माएं हैं जो भगवान से स्वर्ग का सुख लेती. प्रैक्टिकल में देर आर 100 मिलियन सोल्स हु ऑब्टेन द हैप्पीनेस ऑफ हेवन फ्रॉम गॉड इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिकल स्वर्ग का वर्षा लेती है. दे ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन इन प्रैक्टिस. और बाकी 10 करोड़ कम 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं. एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द 5 बिलियन ह्यूमन सोल्स एक्सक्लूडिंग द 100 मिलियन सब नरक की दुनिया में आकर के दुख का वर्षा लेती. कम इन द वर्ल्ड ऑफ हेल एंड ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ सोरो.
अब चूंकि भगवान बाप को बांधा हुआ है, इट इज बिकॉज नाउ गॉड द फादर इज बाउंड, कि मैं तो आकर के हर बच्चे को मुक्ति और जीवन मुक्ति का भरसा देता हूँ। एंड ही सेज आई गिव द इनहेरिटेंस ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति टू एवरी चाइल्ड आफ्टर कमिंग, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा को देता हूँ। आई गिव जीवन मुक्ति फॉर एटलीस्ट वन बर्थ टू एवरी सोल, तो भले कोई द्वापर युग में आता है, सो ऑल्दो समवन कम्स इन द कॉपर एज, कलयुग में आता है, और द आयरन एज, तो भी एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा को मिलती ही मिलती। Every soul certainly obtains the inheritance of जीवन मुक्ति for at least one birth. लेकिन वो भगवान बाप ही निमित्त बनता है। But God the Father himself becomes an instrument. एक जन्म की जीवन मुक्ति देने के लिए। To give जीवन मुक्ति for one birth. और अनेक जन्मों का जो दुख मिलता है, बंधन मिलता है। And the sorrow and bondage that you receive for many births. वो देहधारी गुरुओं से मिलता है। You receive it from the bodily gurus. भगवान की बात नहीं मानी। If you don't obey what God says, देहधारी गुरुओं की मत पर चल पड़े। And start following the opinion of the bodily gurus, तो दुख का वर्षा मिल जाते। You obtain the inheritance of sorrow. इसलिए, This is why, सुलोगन बताया है कि हर घर में एक सुलोगन टांग दो। You have been told to hang a slogan in every house. बड़े से बड़ा स्लोगन है। It is the biggest slogan. क्या? What? मनुष्य मत से दुर्गति और श्री मत से सदगति। The opinion of human beings brings दुर्गति and श्रीमत brings सदगति। अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती है। You attain दुर्गति through many bodily human gurus. और एक सदगुरु निराकार से सदगति होती है। एंड सदगति थ्रू द वन सदगुरु द इनकॉर्पोरियल वन, सदगति भी साकार में आकर करते हैं। ही ऑल्सो ब्रिंग सदगति आफ्टर कमिंग इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म, क्या? व्हाट? सदगति सदगुरु के द्वारा होती है, सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। यू अटेन सदगति थ्रू द सदगुरु, सदगुरु इज कॉल्ड अकाल मूर्त। अकाल का मतलब उसको काल नहीं खा सकता। अकाल मीन्स डेथ कांट डिवोर हिम, जिस गुरु को खुद ही काल खा जाए वो दुनिया की सदगति क्या करेगा। द गुरु हु हिमसेल्फ इज डिवोर्ड बाई डेथ, व्हाट सदगति विल ही ब्रिंग टू द वर्ल्ड। तो वो ऐसा गुरु बन करके आता है जिसको काल के गाल में जाते हुए कोई इन आंखों से देख ही नहीं पाता। सो ही कम्स एज सच गुरु हुम नोबडी विद दिस आईज इज एबल टू सी एंटरिंग द जॉज ऑफ डेथ। सारी दुनिया को काल के गाल में जाते हुए देखा जाएगा। द एंटायर वर्ल्ड विल बी सीन एंटरिंग द जॉज ऑफ डेथ। लेकिन सदगुरु अकाल मूर्त को काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखा। But nobody sees the Sadguru Akalmurt entering the jaws of death. वो अकाल मूर्त है। He is अकाल मूर्त। मूर्त कहा जाता है। मूर्त माना जिसकी मूर्ति हो। It is said मूर्त। मूर्त means the one who has a personality. जड़ मूर्ति नहीं, चैतन्य मूर्ति। Not the non-living idol, but a living personality. चलते फिरते को चैतन्य कहा जाता है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। द वन हू वॉक्स एंड मूव्स अराउंड इज कॉल्ड लिविंग, द वन हू टॉक्स इज कॉल्ड लिविंग। ऐसी बोलती चालती मूर्ति सदगुरु निराकार बाप की होती है। निराकार का मतलब बिंदु नहीं। द सदगुरु द इनकॉर्पोरियल फादर हैज सच पर्सनैलिटी दैट टॉक्स एंड वॉक्स, द इनकॉर्पोरियल वन डजंट मीन द पॉइंट। बिंदु के लिए नहीं कहा जाएगा बोलता चालता। इट वोंट बी सेट फॉर द पॉइंट दैट इट टॉक्स एंड वॉक्स। बिंदु कैसे बोलेगा? हाउ विल द पॉइंट स्पीक? बिंदु में से आवाज निकलेगी क्या? नहीं। विल द पॉइंट प्रोड्यूस अ साउंड? नो। वो बिंदु कोई साकार तन में प्रवेश होकर के साकार बनता है और निराकारी स्टेज धारण करता है।
दैट पॉइंट एंटर्स अ कॉर्पोरियल बॉडी एंड बिकम्स कॉर्पोरियल एंड टेक्स ऑन द इनकॉर्पोरियल स्टेज। जो भी धर्म पिता है जब परम धाम से उतरते हैं तो सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं। When the religious fathers descend from the supreme abode, all of them have an incorporeal stage. ऐसे ये बापों का भी बाप है। As such, he is the father of even the fathers. सब धर्म पिताओं का बाप है, इसको कहा जाता है great great grandfather. He is the father of all the religious fathers. He is called the great great grandfather. ये जब इस सृष्टि पर आता है तो इसकी यादगार में जो चित्र बनता है शंकर का, वो एकदम निराकारी स्टेज का दिखाया जाता है। When he comes to this world, the picture of Shankar that is made in his yadgar is shown to be having an absolutely incorporeal stage. और धर्म पिता है, जैसे क्राइस्ट का चित्र देखो। The other religious fathers, for example, look at the picture of Christ. चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज टपकती है। The incorporeal stage is visible just by looking at his face. महात्मा बुद्ध का चित्र देखो। Look at the picture of Mahatma Buddha. उनके चेहरे से ही निराकारी स्थिति दिखाई देती है। गुरु नानक को देखो। The incorporeal stage is visible through his face itself. Look at Guru Nanak. उनके चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि तन से ये यहाँ है, लेकिन मन बुद्धि से जैसे परम धाम में बुद्धि टंगी हुई। You come to know from his very face that he is here through the body, but it is as if his intellect is lying in the supreme abode through the mind and the intellect. ऐसे वो सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर संसार के सामने सदगुरु निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो अखंड निराकारी स्टेज के रूप में प्रत्यक्ष होता है। Similarly, when the supreme soul father is revealed to the world in the form of the sadguru, the incorporeal one, he is revealed as the one with a constant incorporeal stage. उसे बोलने करने की भी दरकार नहीं। He doesn't need to even speak or do anything. क्या? What? दृष्टि से ही सारी शक्ति को सुधारता है। He reforms the entire world through the drishti itself. बोलने की तो दरकार तब तक है जब तक ज्ञान परिपक्व स्टेज में संसार में नहीं उतरता। He needs to speak until the complete knowledge is revealed in this world. जब ज्ञान परिपक्व स्टेज में उतर जाता है। When the knowledge becomes complete, ज्ञान का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। When each and every point of knowledge becomes clear, तो परमात्मा को बोलने की भी दरकार नहीं है। There isn't any need for the supreme soul to speak either. ओम ओम शांति।